अमुना मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है कि इस वैलेंटाइन पे मैं उसका डेट बनूं। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूं ना। जब हम आ रहे थे तो उसने मुझे बोला ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मुझ मेरे वैलेंटाइन का ठीक वाले वाला ZX10R मैं तो जान सब्सक्राइब कर दूंगी। ओके मेरे गांव में ना आज तक एक ही बार ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि वैलेंटाइन पे मेरा डेट बन जा, मेरा डेट बन। जैसी तेरी शक्ल है ना, तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं आती फेसबुक पे, तुझे डेट के लिए रिक्वेस्ट आएगी। रोज डे पे रोज देना पड़ेगा, चॉकलेट डे पे चॉकलेट देना पड़ेगा, टेडी डे पे टेडी देना पड़ेगा। देखो कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है ये लड़की। थोड़ा अच्छे से अच्छे से 50 रुपए दूंगा, अच्छे से कर। ठीक है चलेगा। डन। टुडे 50 व्लॉग हो चुके हैं गाइस, तो तुम्हारे भाई हाफ सेंचुरी तो मार ही दिए। जो कुछ हो जाए तो आपको पता है किसे पकड़ना है। तो इतनी उदास क्यों हो गई? मैक्स की याद आने लग जाती है। कल का आपको कुछ सीन बताना था, उससे पहले आपको बता दूं, हमसे मिलने हमारी एक फैन आई हुई है। देखो थाने से कल्याण हमें मिलने आई है हमारी फैन। क्या वो मैं आपको सेल्फी चाहिए लो लो। तो एक्चुअली मैं ये थाने से आई है। टिकट निकाला था ना, चोरी चकारी तो नहीं करी? रहने दे। हाँ इट्स ओके। ठीक है तो जाने का ना फिर इधर की भाई। क्या मतलब तू यहाँ के सर से मिलने आई? जा रे। चले मुझे डर लग रहा तेरे साथ जाने। क्यों? तूने मुझे बोला है क्या? आज ना मैं जाने वाला था कार सीखने के लिए। अब उन्हें पूछा कि मैं सोच रही हूँ आज मामा के पास जाऊँ, तो ये पूछ रही थी मैं उधर पे जाने का सोच रही हूँ, आऊँ क्या, तू मिलेगा क्या, करेगी, तुझे टाइम है क्या? अभी क्या है मुझसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, तो पूछ रही थी। तो मैंने बोला कि ठीक है आ जा। एक्चुअली 5 बजने आए, 5:45 बज रहे। एक्चुअली मैं सुबह से लगा हुआ था वीडियो एडिट करने में, वीडियो एडिट करके अपलोड करके मैंने लगा दिया है। ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं रेडी हो गई। इसमें मैंने उसको बोला कि तेरा वीडियो एडिट हो जाएगा तो मुझे बता देना। इसने मुझे बोला 12 बजे मेरा आधा वीडियो अपडेट हो गया, एडिट हो गया है बोल के। तो मैं रेडी होके बैठ गई, फिर मुझे बंदा मैसेज कर रहे तू 5 बजे तक आ जाए यहाँ पे। बोले व्लॉग मिस किया तो जाके देखो, राइड वाला व्लॉग है। वहाँ से जब मैं रिटर्न आ रहा था ना, तो आरटीओ वालों ने पकड़ लिया था मुझे, और मेरे पास ना तभी एक्चुअली बाइक में आगे की नंबर प्लेट लगी नहीं थी। तो कल ना तू चुप बैठ ना, थोड़ा भूख भूख मुझे बोलने तो दे। साली लड़के यार, मतलब जब देखो भूखे रहती है तो। अरे रुकना इधर। अच्छा मैं बात कर लूँ उनसे, फिर हम बात करें। वी हैव माय परमिशन टू शट अप। तो कल एक्चुअली मुझे 500 का फाइन भरना पड़ा था, मेरा 500 का चालान कट गया। अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग, अभी जा रहे कल्याण वेस्ट में, वहाँ जाके मैं कार सीखने वाला हूँ। तो आज हम लोग अम्मू को कार चला के दिखाएंगे। साली इतनी हरामी बोलती है मुझे, बोलती है मुझे बुखार है, मैं 2 दिन तक अभी हिल नहीं सकती बेड से, मुझे डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट लेने के लिए मैं बाहर नहीं आऊँगी। जैसे मैंने इसको बताया ना कार सीखने वाला, ड्रामे चालू कर दिए थे, बट आज इसको यमराज दिखाई देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कल्याण वेस्ट में, और हाँ ठीक है बुकड भाई। अमू मैडम को तो पिक कर लिया है मैंने, ये बोल रही है कि इसको भूख लगी है, कुछ खाना है, पानी पूरी वगैरह। मैं सोच रहा हूँ इसको तो लेके चलूँ कल्याण वेस्ट। एक्चुअली कल्याण वेस्ट में एक वड़ा पाव वाला है, बहुत फेमस है वो। और आते समय तो भाई मुझे आरटीओ वाले ने पकड़ लिया था मस्त से, 500 का फाइन काटा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट तो करा था उनसे, कन्विंस करने को ट्राई किया, बट उन्होंने सुना ही नहीं। एक्चुअली बाइक में आगे नंबर प्लेट लगी नहीं थी, तो उन्होंने 500 का चालान काटा मेरा। झूठ लगा रहेगा तो पर्ची अभी स्क्रीन पर आ ही रहेगी, तो ऐसे मत बोलना कि भाई झूठ बोल रहा है करके। कुछ भी प्लान नहीं है ऐसे फिक्स। अभी जाके सबसे पहले तो कुछ खाते हैं क्योंकि अम्मू को भूख लगी है। अरे अरे थैंक यू। पीछे वाली सीट पे रख लेना। कितने का? 20 रुपए का। वैसे गाइस आपको पता है कल हमारे ना 50 days 50 vlog हो चुके, तो तुम्हारे भाई ने आप सेंचुरी मार दी है। जब सब मिलकर 100 vlogs हो जाएगा, 100 vlog मैं तेरे को पार्टी दूंगी। पार्टी नहीं, कम से कम 10,000। पार्टी का मैं क्या करूँ, शक्ल है 10,000 वाली। स्वप्निल मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो वैलेंटाइन डे पे मेरा डेट बने। उल्लू बना रही है खुद तड़प रही है। बोल रहा है कि अम्मू यार मैं तेरे सिवा कोई नहीं है फ्रेंड, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, तू ही मेरे कॉन्टेक्ट में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। सरासर झूठ है, ऐसे एक भी बात बोली भी नहीं है मैंने, और ये बात सच भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ अभी कैसे ना, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि वैलेंटाइन पे मेरा डेट बन जाए, मेरा डेट बन, तो मैं सोचूंगी इसके बारे में और आपको बताऊंगी। जैसी जैसी तेरी शक्ल है ना, तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं आती फेसबुक पे, तुझे डेट के लिए रिक्वेस्ट आएगी। रेंद्र बेटा किसी और को उल्लू बना, मेरे सब्सक्राइबर को मत बना। ऐसे बोला जा रहा है तुम्हारी अम्मू को। तुम्हारी अम्मू? ये कब हुआ तुम्हारी अम्मू? साइड लेंगे ना, बोलो फिर तुम्हारी बोलूंगी तो। तेरी साइड क्यों लेंगे भला, बोलो मेरे भाई लोगे मेरी साइड। रोज डे पे रोज देना पड़ेगा, चॉकलेट डे पे चॉकलेट देना पड़ेगा, टेडी डे पे टेडी देना पड़ेगा। मैं किस डे पे तुझे लात दे दूंगा, बाकी सबको पता नहीं। अरे देवा क्या हुआ?
दिखा रही तेरी गंदी शक्ल लोगों को उतरते भाई, प्लीज डोंट माइंड माय हेयर, मुझे ना एक्चुअली ग्रूमिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, उसका काम करता रहता है तुम्हारा भाई। कैसे दाढ़ी बड़ी बढ़ गई है रे छी, अगर तुझे वैलेंटाइन डे पे मेरा डेट बना तो ये सब ग्रूमिंग करके आना। मैं क्यों बनूं पर इतनी क्यों तड़प रही है पहले ये बता। तू तड़प रहा है, इसने मुझे जब हम आ रहे थे तो इसने मुझे बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है मुझ तो मेरे वैलेंटाइन का ठीक वाले ऐसा कब हुआ मेरे बस थोड़े बाल खराब हो रखे बाकी कुछ नहीं, थोड़ा ग्रूमिंग करना पड़ेगा और टाइम नहीं मिल रहा है यार, मैं बहुत काम कर रहा हूं, खराब रखी थोड़ी हाँ नसीब तो खराब हुआ ही है, तू जो मिली है मुझे। अभी इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ के सीक्रेट लोकेशन पे जहाँ पे ये पहले कभी गई नहीं है, और वो सीक्रेट लोकेशन ऐसे रोड से ही दिख जाती है। साली चोर भाजी चुराने के सपने सजा रही है, देख रहे हो देख रहे हो, इसलिए इसको मैं कभी बाहर लेके नहीं जाता, ये ऐसी हरकतें करती है इसलिए। इसको इसका बॉयफ्रेंड बहुत चिल्लाता है मेरे साथ घूमती है तो इसलिए आजकल ब्लॉग में कम आ रही है, इसलिए मैं उसको ब्लॉक कर देती हूं। पूछ रहे थे अम्मू दीदी किधर है, अम्मू दीदी किधर है, ब्लॉग में नहीं आती आजकल ना, ये रीजन है गाइस। गांव वाला फील मेरे गाँव में ना आज तक एक ही बार गोरख। तुझे गाँव भी है, यहाँ पे देखो सारे बकरे वगैरह, ये वो है जिससे वूल निकलता है, ये देखो इतना प्यारा सा सामने खाड़ी है, प्यारी सी लड़की है यहाँ। किधर है मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है व्यू प्यारा है। इसको लेके घूमो, साथ में एक चुड़ैल लेके घूमो। तो इतनी उदास क्यों हो गई, थोड़े शांत प्लेस पे आएगी फटक से। अरे मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को शांत प्लेस पे आती हूँ तो मैं नेक्स्ट की याद आने लग जाती है, पकड़ी गई जिंदगी के बारे में सोचने लग जाती वो तो झंडे। अमुना मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है कि इस वैलेंटाइन पे मैं उसका डेट बनूं, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हो ना। मेरे पास इसने ना जो बोला उसका क्लिप है गोप्रो में, पर कट कर देगा उसको एडिटिंग के टाइम, मुझे पता है अच्छे से। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सरासर झूठे है। मैं सोचूंगी, पर तू इतना क्यों मेरे पीछे पड़ी है, तेरे बॉयफ्रेंड को लेके जाना डेट पे, मुझे क्यों लेके जाना तुझे डेट पे, इसको पता नहीं क्यों मेरे साथ घूमना है वैलेंटाइन डे पे, मैं अपना टाइम एंजॉय करूंगा, किसी लड़की को फंसा के उसके साथ घूमूंगा, तेरा क्या। तो गाइस बहुत दिनों से हमें मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कहीं मुझे अच्छी जगह पे घुमाने लेके चल, घुमाने लेके चल, तो मैं इसको लेके आया एक सी शोर पे, ये देखो कितना प्यारा सी शोर है, और हम वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, और जो से थोड़ा देखो कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है ये लड़की, थोड़ा अच्छे से 50 रुपये दूंगा अच्छे से कर, ठीक है चलेगा डन। देखो कितनी खुश है ये लड़की, देख रहे हो इतनी खुश है आज तक नहीं हुई थी पता है, इतने 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 दूर इतने अच्छे लोकेशन पे लेके आया हो अम्मू को, तब जाके इतनी खुश हुई है। लोग इतना मारेंगे ना, भाजी का वीडियो बना के अपनी मम्मी को भेज रही है अभी, ये ना पक्का डेफिनेटली प्लान बना रही है भाजी चुराने का, एक दो दिन में यहाँ पे अकेले आके भाजी चुरा के ले जाएगी है ना। 10 रुपए का मिलता है बाहर, पर फिर इधर के फोटो वीडियो निकाल के भेज रही है माँ को, खुशी मिलेगी। अच्छा मुझे तो कुछ और ही इरादे लग रहे तेरे, कोई इतनी गंदी शक्ल लेके बाहर कैसे निकल सकता है। मैं निकली हूं ZX10R, मतलब एक दिन मैं भी लूंगा। वाओ क्या आवाज आ रहा है यार, सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। डर गई शर्म है तुझे कुछ नहीं बोलते ऊपर से साला। हम लोग अभी अभी वड़ा पाव खा के आए थे, यश आते समय वड़ा पाव लेके आए, इधर सब वड़ा पाव लवर्स है। पता नहीं क्यों मुझे ना आज एनर्जी नहीं लग रहा है, एनर्जी फील ही नहीं हो रही बिल्कुल। जो भी बनाऊंगा एडिट तो जरूर करूंगा, इसलिए मैं ब्लॉग पूरे एनर्जी से नहीं बना पा रहा, बट मुझे पता है आप लोग मेरे लिए एक दिन एडजस्ट कर ही लोगे। अपने 50 डेज 50 ब्लॉग हो चुके गाइस, तो तुम्हारे भाई हाफ सेंचुरी तो मार ही दिए, अब देखते हैं और कितना खींच पाते हैं। वैसे तो मैंने पहले तो 1 वीक का चैलेंज लिया था, फिर उसको एक्सटेंड किया 15 डेज 30 डेज, 50 डेज हो चुके, अब 60 डेज ही शायद कर ही लेंगे, देखते हैं हम लोग 100 डेज कर पाते हैं कि नहीं। अगर मैंने 100 डेज 100 ब्लॉग्स कर लिया ना कंप्लीट, तो हम मुझे 10,000 देने वाले गाइस, तो फटाफट कमेंट में स्पैम करो। अभी हम लोग वहाँ से निकल गए और को वहीं पर खड़ा किया है मैंने, और हेलमेट मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि हेलमेट को बाहर नहीं रख सकता। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि ज़रा दोस्तों को भूख लगी थी, और अमू तो आपको पता ही है हमेशा भूखी रहती है, आपको पता ही है। अभी जन एक जन लाइव में आया था, बोलता है कि भाई इसको कुछ खिलाया करो, जब इसका पेट भरा रहता है तभी ये खुश रहती है। मतलब मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग को भी पता है कि ये कैसे खुश होती है, जान सब्सक्राइब कर दूंगी। ओके देख रहे हो धमकी कैसे दे रही है। 26K भी होने वाले, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहना। Lots of love to you all. वीडियो प्रूफ दे दिया तुमको, और मुझे लगता भी नहीं कि पुलिस कुछ काम करने वाली है। हम लोग आए यहाँ पे कल्याण में खाऊ गली में, मस्त पेट पूजा करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, शायद थोड़ा पेट पूजा करने के बाद मुझे में थोड़ा एनर्जी आ जाए, बाहर आ जाए। देख रहे हो गाइस तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, देख रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो साले। नहीं
अंदर मैं चिल्लाऊंगी। अंदर जा, अंदर जा। लोगों को लगना चाहिए मैं कितना अच्छा लड़का हूं। हमने एक रामू काका को बुलाया गाड़ी साफ करने के लिए हमारी। बोलेगा थोड़ी तो इज्जत कर लो, मेरी गाड़ी इज्जत ही नहीं कर रही। सब फिर जा रहे राउंड मारने। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ कार चलाने के लिए, अम्मू को कार चला के दिखा दे। मगर मुझे अभी थोड़ा डर लगने लग गया क्योंकि लोग ऐसे ऐसे गाड़ी, और आई एम फीलिंग क्वाइट नर्वस क्योंकि अम्मू ने मुझे कभी कार चलाते हुए देखा नहीं है। तो मैं अभी अम्मू को कार चला के इम्प्रेस करने वाला हूँ। वो रेडी? अम्मू थोड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी लग रही है गाइस, पता नहीं क्यों अम्मू के मुझे चेहरे पे खौफ दिख रहा है। अम्मू कोई आखिरी इच्छा ख्वाहिश? भगवान भगवान याद करने। इतनी शांत क्यों है तू? लिस्ट बहुत बड़ी है आखिरी इच्छाओं की, पता नहीं क्या होने वाला है। करने वाले रोड पे जाते कैमरा घूमते टोक्यो ड्रिफ्ट। टा 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 धीरे 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 ओके चला तो रहा है अच्छे से अभी तक, अभी टर्न पे समझेगा बात। जो कुछ हो जाए तो आपको पता है किसे पकड़ना है, देख लो इस शक्ल को। हम डर रही है, मैं भी डर रहा है। तेरी तो कार है, मेरी ही कार है। तेरी मत कर, गाड़ी आगे है। चुप है, चुप। मरना है क्या आज? मेरे से बात मत करो, मैं साथ में हूँ। धीरे सबके धीरे भरोसा गया तेल लेने। भरोसा गया तेल लेने। बगा तू यार, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, बोले भी नहीं वाले। दो दो बजे तक मैं बाहर रहता हूँ, उल्लासनगर वगैरह घूमता रहता हूँ। कार सीखने के लिए हम लोग आते बाहर में, वो सब शूट नहीं करता कभी, बट हाँ थोड़ी एक अलग लाइफ भी रहती है रात की। तो वो टाइम पे वो मुझे सिखाता है तो बताता है कि हैंडल मतलब स्टीयरिंग ऐसे पकड़ने का वगैरह। अच्छा चला रहे हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे से, सब में राइड कर रहे हैं एज यूजुअल, और हम पीछे बैठे हैं ठंडी में कांप रहे हैं। शायद से हम लोग का छोटा सा कोई राइड प्लान कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी डोंबिवली में हूँ आज के लिए, एक रात के लिए। तो प्रोबेबली कल कहीं पे घूमने चलेंगे आसपास के एरिया में, देखेंगे जैसा होगा वैसे बताएंगे आपको। तो बस गाइस इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। स्वप्निल बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है। चढ़ा मैं स्वप्निल को अपना वैलेंटाइन पे डेट बनाऊंगा? नहीं हाँ, इसको मैं नहीं बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।